नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त हर्ष चौधरी तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल हर्षो क्लासेस में। आशा करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 77 तक करा दिए थे। एसडी यादव की बुक से क्वेश्चन नंबर 77 तक करा दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 से शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला गया है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 पढ़िए। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोलकर भी क्वेश्चन को देख सकते हैं, नहीं तो मैं क्वेश्चन को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से भी आप सभी टेलीग्राम को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 78 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 78 बोला गया है 1200 रुपए की राशि को, मतलब 1200 रुपए की राशि, टोटल राशि कितनी है 1200 रुपए, टोटल कितना है 1200 रुपए, 1200 रुपए की राशि को एबीसी में 5:7:13 के अनुपात में बांटा जाता है। तो एबीसी का अनुपात कितना है, एबीसी का अनुपात है 5:7:13, 5:7:13 के अनुपात में बांटा गया है। सी तथा बी के हिस्सों का अंतर कितना होगा, सी तथा बी के हिस्सों का अनुपात कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए, सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल राशि कितनी है 1200 रुपए। 1200 रुपए की राशि को हमें एबीसी के अंदर 5:7:13 के अनुपात में बांटना है, जिससे हमें सी की राशि और बी की राशि का अंतर ज्ञात करना है। सी की राशि और बी की राशि की राशि का अंतर ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले देखिए इनका अनुपाती योग कितना है, तो अनुपाती योग देखिए 13 और 7 20, 20 और 5 25, अनुपाती योग कितना 25। तो 25 का वैल्यू किसके बराबर है, तो 25 की वैल्यू किसके बराबर 1200 के बराबर, 25 की वैल्यू किसके बराबर है 1200 के बराबर। दोस्तों 25 से कितनी बार कट गया, 25 से कितनी बार कट गया 48 बार, 25 से कितनी बार कट गया 48 बार, 48 गुना है यानी 25 से कितनी बार कट गया 48 बार। तो दोस्तों जितना भी क्वेश्चन में जो कुछ पूछा गया है वो सब 48 टाइम्स होने वाला है, 48 टाइम्स होने वाला है। हमसे पूछा गया सी माइनस बी, तो अब सी में से बी घटाएंगे कितना आएगा 7, 7 में से 13 घटाएंगे, 13 में से 7 घटाएंगे कितना आ गया 7 और 5 13, 7 और 5 13, ठीक है। अंतर कितना आ गया 5, तो 5 कितने गुना हो जाएगा, ये भी 48 गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8:40, 4 5 20 और 4 24, यानी 240 रुपये, अंतर कितना आ गया 240 रुपये। आशा करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। सॉरी दोस्तों, देखिए कहीं पे मिस्टेक हो गई है, 7 और 5 12 नहीं होते हैं दोस्तों, 7 और 5 13 नहीं होते हैं, 7 और 5 कितने होते हैं 12, 7 और 6 होते हैं 13, तो 7 और 6 अंतर कितना हो गया, सॉरी दोस्तों मिस्टेक हो गई, 7 और 6 13। दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करेंगे 48 से तो कितना आ जाएगा, 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48 कैरी 4, तो 6 24 और 4 28, 288 रुपए, अंतर कितना आ गया 288 रुपए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 288 रुपए। आशा करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। एक और बार समझिए, हमें टोटल राशि दी गई 1200 रुपए, टोटल राशि कितनी दी गई है 1200 रुपए, जिसे हमें एबीसी के अनुपात यानी 5:7:13 के अनुपात में बांटना है या बांटा गया है, जिसमें से हमको सी माइनस बी यानी सी के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर ज्ञात करना है, सी के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर ज्ञात करना है। तो टोटल अनुपाती योग कितना आ गया 25, 25 की वैल्यू किसके बराबर 1200 के बराबर, 25 की वैल्यू किसके बराबर है 1200 के बराबर। अब आपको 1200 के बराबर, तो 25 की वैल्यू 1200 के बराबर कितने गुना है 48 गुना, जो कुछ भी क्वेश्चन में पूछा है वो सब कुछ 48 गुना होने वाला है, वो सब कुछ 48 गुना होने वाला है। तो दोस्तों हमसे पूछा गया सी माइनस बी 13 में से 7 गए तो कितना आ जाएगा सी माइनस बी, अनुपात में अंतर कितना है 6, अनुपात में अंतर कितना है 6, और हमारा अंतर
टोटल कितना कितने गुना होगा 48 गुना 6 गुना 48 यानी 288 हो गए। ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन दिया गया। ए बी तथा सी बल्लेबाज हैं, एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों के अनुपात नीचे दिए गए हैं। ए अनुपात बी बराबर 5:3, ए अनुपात बी बराबर 5:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5। और टोटल रन कितने दिए गए 564। टोटल कितने रन है 564 रन। आपसे पूछा गया बी द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात, यानी बी द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात। देखिए दोस्तों, अब यहां से सबसे पहले क्या निकाला है, कंबाइंड रेशियो। कंबाइंड रेशियो कैसे निकालते हैं, तो कंबाइंड रेशियो निकालने के लिए पहली संख्या और आखिरी संख्या का स्ट्रेट मल्टीप्लाई, पहली संख्या और आखिरी संख्या का स्ट्रेट मल्टीप्लाई, और बीच वाली संख्या का क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच वाली संख्या का क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं, पहली संख्या और आखिरी संख्या का स्ट्रेट मल्टीप्लाई और बीच वाली संख्या का क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए एबीसी का अनुपात कितना आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना आ गया 5:20, 4:12 और 5:15। ठीक है, ये कितना आ गया इनका अनुपात। अब दोस्तों इन्हें अनुपाती योग कितना हो गया, इनका अनुपाती योग हो गया, अनुपाती योग कितना हो गया 47, अनुपाती योग कितना हो गया 47, अनुपाती योग हो गया 47। तो 47 का मान 564 के बराबर है, 47 का मान 564 के बराबर है। ये कितने गुना है इसका 12 गुना। कितने टाइम्स कट गया, 12 टाइम्स कट गया। तो दोस्तों जो कुछ भी क्वेश्चन में पूछा गया वो सब कुछ 12 गुना होने वाला है, तो हमसे पूछा गया बी के रन, तो बी के रन अनुपात में कितने दिए गए 12, बी के रन अनुपात में कितने 12 गुना 12, क्योंकि ये भी 12 टाइम्स होने वाला है। तो कितना आ गया 144 रन, यही आपका आंसर है 144 रन, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 144 रन। आशा करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 को मूव करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोला गया है, एक व्यक्ति ने अपने चार मित्रों एबीसीडी का अनुपात कितना दिया गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, अनुपात कितना दिया गया 1:3, 1:4, 1:5 और 1:6, 1:4, 1:5, 1:3 अनुपात 1:4 अनुपात 1:5 अनुपात 1:6 के अनुपात में बांटे गए हैं। उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। दोस्तों सबसे पहले तो ये अनुपात जो है हमारा फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है, यानी भिन्न के रूप में दिया गया है, इसे सबसे पहले हम सिंपल करेंगे। सिंपल कैसे करेंगे, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना आ गया 60। तो 60 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 60 से 1 कितनी बार कट गया 20 बार, 60 से 1 कितनी बार कट गया 20 बार। तो ए बी सी और डी का अनुपात कितना आ गया 20:15 और 12:60 और 10:10। ये ए बी सी डी का अनुपात आ गया रेशियो में निकल कर, ए बी सी डी का अनुपात कितना आ गया 20, 15, 12 और 10। इसमें पूछा गया दोस्तों कि उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या, यानी न्यूनतम संख्या, तो x का मान कितना रखना है हमें, 1, तो x का मान 1 रखेंगे तो न्यूनतम संख्या कितनी आ गई, मिनिमम
मिनिमम संख्या, मिनिमम संख्या वाला आपको कितनी आएगी, 20 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 10 यानी कितना आ गया 57, कितना आ गया 57। उसके बाद मिनिमम संख्या कितनी है पेनों की, 57। मैक्सिमम संख्या कितनी है, मैक्सिमम संख्या कितनी भी हो सकती है, मैक्सिमम संख्या इनफाइनाइट है। तो एक्स का मान मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, कितना भी रख सकते हैं इनफाइनाइट, और मिनिमम कितना रख सकते हैं 1। तो हमने मिनिमम रख दिया एक्स का मान 1, तो 20 गुणा 1 20, 15 गुणा 1 15, 12 गुणा 1 12, 10 गुणा 1 10, सबको जोड़ दिया न्यूनतम संख्या निकल कर आ गई। आशा करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81। एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में दो टुकड़ों में काटा गया है। एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में दो टुकड़ों में काटा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। देखिए दोस्तों, एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में काटा गया है। भार के अनुसार कितना है, 3:5 के अनुपात में काटा गया है। उनमें बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 में काटा गया है। बड़े टुकड़े को 5:7 के अनुपात में काटा गया है। तो तदनुसार तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात ज्ञात करना मैंने आपको बताया स्टेट क्रॉस, पहले और आखिरी का स्टेट मल्टीप्लाई, बीच वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई हमको करना है। तो हमें अनुपात निकल कर आ जाएगा कंबाइंड रेशियो। तो अनुपात कितना आ गया, 5:15 अनुपात 25:35 25:15:25:35। क्या दोस्तों ये सिंपल फॉर्म है, रेशियो की सिंपल फॉर्म है। तो रेशियो की सिंपल फॉर्म कदापि नहीं है, क्योंकि इसे भी हम 5 से फर्दर काट सकते हैं। तो 5 से काटेंगे तो कितना आ गया, 5:15 5:5 25 7:35। ये हमारा उत्तर निकल कर आ गया, 3:5 5:35, यही हमारा आंसर है। क्योंकि दोस्तों रेशियो का सिंपल रूप हो गया, इसे हम किसी से अन्य संख्या से नहीं काट सकते। तो हमारे रेशियो का सिंपल फॉर्म है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है। 82 देखिए, तीन संख्याओं का योगफल 98 है। तीन संख्याओं का योगफल 98 है। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का योगफल कितना दिया गया, 98। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना दिया गया, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात कितना दिया गया, 2:3 2:3 2:3। और दूसरी संख्या का तीसरी से अनुपात 5:8। दूसरी संख्या का तीसरी से अनुपात कितना दिया गया, 5:8 5:8। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। क्या दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करा दिया है, आप इसे स्वयं करिए। सबसे पहले कंबाइंड रेशियो निकालिएगा, कंबाइंड रेशियो निकाल कर उनका अनुपाती योग निकालना है। अनुपाती योग को 98 के बराबर करना है। जितने टाइम्स गुना होगा सेकंड संख्या भी उतने टाइम्स गुना होने वाली है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, इसे आप स्वयं करिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 83 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है। यानी प्राइस जो है, हीरे का प्राइस समानुपाती है वेट के स्क्वायर के। हीरे का प्राइस समानुपाती है वेट के स्क्वायर के। तो यदि 5,5184 मूल्य का एक हीरा, टोटल कितना दिया गया, 5,184। टोटल कितना दिया गया है, 5,184 रुपए का हीरा, 84 रुपए का हीरा। तीन टुकड़ों में काटा जाए और उनके भार का अनुपात कितना दिया गया, 1:2:3 1:2:3। भार का अनुपात यानी वेट का अनुपात कितना दिया गया, 1:2:3। तो इस प्रकार के काटने से हुई हानि, तो हमें लॉस ज्ञात करना है कितनी हानि हो गई इस प्रकार काटने से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है परीक्षा के लिए। चलिए देखते हैं, इसमें दिया गया है कि हीरे का मूल्य हीरे के भार के वर्ग के समानुपाती होता है।
टोटल मूल्य कितना दिया गया हीरे का 5184। उसके बाद कह रहा है तीन टुकड़ों में काटने के बाद इसका अनुपात कितना हो जाता है 1:2:3, यानी काटने के बाद अनुपात कितना है 1:2:3। दोस्तों सबसे पहले काटने से पहले का प्राइस, काटने से पहले का प्राइस, काटने से पहले प्राइस कितना होगा 1+2+3 का होल स्क्वायर, कितना होगा 3+5+6 यानी 36, कितना होगा 36। और काटने से बाद, काटने के बाद कितना हो गया 1 का स्क्वायर, काट दिया अलग अलग काट दिया, तो सबका मूल्य भी अलग अलग जुड़ेगा। मूल्य कैसे निकालेंगे उसका स्क्वायर करके, क्योंकि अगर कंडीशन दी गई है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना हो गए 4 और 5 5 9 5 14, कितना हो गया 14, 9 और 5 कितना हो गया 14। अब दोस्तों हमने पहले हमने हीरे का मूल्य कितना था 36, अब कितना दिया गया 14, तो हमें हानि हुई या नहीं हुई, तो हानि कितनी होगी 22, हानि कितने की होगी 22, 22 रुपए की हानि हो गई। तो हानि निकालने के लिए 22 का मान हमें ज्ञात करना है, तो 22 का मान कैसे निकालेंगे, 36 का मान कितना दिया गया 5184, 36 का मान कितना दिया गया 5184, हमें निकालना कितने का 22 का मान, निकालना कितना 22 का मान, तो कैसे निकालेंगे x का मान, x बराबर 5184 डिवाइड बाय 36 गुणा 22 डिवाइड बाय 36 गुणा 22, ये कितनी बार कट गया इससे, तो ये हमारा कितनी बार कट गया 36 से 5184 कितनी बार कट गया 144 बार, कितनी बार कट गया 144 बार गुणे 22, 144 गुणे 22। अब इसे सॉल्व कर लेना, x का मान कितना आ जाएगा मैं आपको बता देता हूं, x का मान आ जाएगा आपका, x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान क्वेश्चन नंबर 83, x का मान आ जाएगा आपका 3168, x का मान कितना आ जाएगा 3168 रुपए, यही आपका x का मान है। दोस्तों एक बार फिर समझिए, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, हमें दिया गया हीरे का प्राइस, हीरे का भार दिया गया, सॉरी हमें हीरे का भार दिया गया 1:2:3, हमसे कंडीशन बोली गई है कि हीरे का प्राइस जो है हीरे के भार के वर्ग के समानुपाती है, मतलब हीरे का भार, हीरे का प्राइस जो है हीरे के भार के वर्ग के समानुपाती है। तो दोस्तों पूछा गया कि इसे काटने के बाद हमें कितनी हानि हो गई, काटने के बाद कितनी हानि हो गई, काटने से पहले का प्राइस कितना दिया गया, काटने से पहले का प्राइस कटा नहीं है, तो इन सबको जोड़ के इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा प्राइस निकल कर आ गया, कितना आ गया 36। काटने के बाद यानी काटने के बाद अलग अलग टुकड़े हो गए, तो इन सबका अलग अलग मूल्य जुड़ेगा, मूल्य कैसे निकालेंगे भार का स्क्वायर करके, तो भार का स्क्वायर कर दिया 1+2+3 = 14, हमें पूछिए हानि, पहले कितना का रहेगा 36 रुपए का, अब कितना 14 रुपए का, कितनी हानि हो गई 22 रुपए की, पहले कितने का था 36 रुपए का, 14 रुपए का कितनी हानि हो गई 22 रुपए की, तो हमें 22 की वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें दिया गया 36 की वैल्यू 584, 22 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया x की वैल्यू निकाल दी। आशा करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84, दोस्तों कल ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, आज ये इस चैप्टर की सेकंड लास्ट वीडियो है, उसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसे हम आपको कल बता देंगे कि कौन सा चैप्टर इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए 84, क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया, यदि ए ने एक्स रन बनाई और बी ने वाई रन बनाई और तथा सी ने जेड रन बनाई, तो एक्स अनुपात वाई बराबर वाई अनुपात जेड बराबर 3:2, यानी एक्स अनुपात वाई बराबर वाई अनुपात जेड बराबर 3:2 बराबर 3:2, एबीसी ए बी एवं सी की कुल रन संख्या कितनी, टोटल रन कितने दिए हैं, टोटल रन कितने दिए 342, टोटल रन कितने दिए 342, प्रत्येक संख्या क्या होगी, तो प्रत्येक संख्या ज्ञात करिए। तो दोस्तों एक्स और वाई का अनुपात कितना दिया है 3:2, एक्स अनुपात वाई बराबर कितना है 3:2, वाई अनुपात जेड बराबर भी कितना 3:2, वाई अनुपात जेड बराबर कितना है 3:2। तो दोस्तों इसका कंबाइंड रेशियो निकालेंगे, स्टेट मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो x by z का कंबाइंड रेशियो कितना आ गया, x by z का कंबाइंड रेशियो आ गया 9:6:4 तो कितना आ गया इसका अनुपात योग ज्ञात करिए, तो अनुपात योग कितना आ गया 6 और 4 10 और 1 19 अनुपात योग कितना आ गया 19 अनुपात योग कितना आ गया 19 अनुपात योग कितना निकल के आ गया 19 तो 19 की वैल्यू किसके बराबर 342 19 की वैल्यू कितने बराबर 342 कितने गुना 18 गुना कितने गुना 18 गुना। अब दोस्तों जो कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया वो सब कुछ 18 गुना होने वाला है। हमसे पूछा गया कि हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि संख्या क्या होने वाली है, तो हमारे अनुपात में संख्या कितनी है 9:6:4 तो ये भी हमारी 18 गुना होने वाली है। तो संख्या कितनी हो जाएगी, तो संख्या बराबर 9 गुणा 18 और 6 गुणा 18 और 4 गुणा 18 कितनी निकल के आ गई 9, 8, 72, 7 और 9 एकम 9, 9 और 7 कितना हो गया 16 यानी 162। तो 162 वाला एक ही ऑप्शन है, तो 162, 108 और 72 ये आपकी संख्या निकल कर आ गई, यही आपका आंसर है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है, कुछ धनराशि ए और बी में 2:5 के अनुपात में बांटी जाती है। क्वेश्चन नंबर 85 ए अनुपात बी का अनुपात कितना है 2:5 यदि ए को 100 रुपए मिले तो बी को मिलने वाली राशि, यानी ए को कितने वैल्यू मिले 100 रुपए, ए को कितना मिला 100 रुपए, तो 2 की वैल्यू कितने के बराबर है 100 के बराबर, 2 की वैल्यू कितनी है 100, हमसे पूछा 5 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 5 गुणा 100 / 2 यानी 50 यानी 250 रुपए। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 250 रुपए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए 250 रुपए। सिंपल क्वेश्चन है, आशा करते हैं समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया, 900 रुपए को एबीसी में बांटा जाता है, टोटल धनराशि कितनी है 900 रुपए, टोटल धनराशि कितनी है 900 रुपए जिसे एबीसी में बांटा जाता है, ए की राशि का 1/2 यानी ए की राशि का 1/2 बराबर है बी की राशि के 1/3 बराबर है सी की राशि के 1/4 के से। अब आपसे क्या पूछा गया, एबीसी की राशि ज्ञात करिए, तो a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 यानी ऊपर 1 बन रहा है, ऊपर सबके गुणन मल्टीप्लाई में कितना 1, तो जो जिसके नीचे है वही उसका अनुपात होने वाला है, तो a/2 यानी एबीसी का अनुपात कितना हो गया 2:3:4 अनुपात योग कितना आ गया 9 तो 9 की वैल्यू किसके बराबर है 900 के बराबर, 9 की वैल्यू 900 के बराबर कितने गुना 100 गुना। अब जो कुछ क्वेश्चन पूछा गया वो सब कुछ 100 गुना होने वाला है, तो हमसे क्या पूछा है सभी संख्या, तो सभी संख्या 100 गुना हो जाएगी, तो संख्या कितनी होगी 200, 300 और 400 यही आपका आंसर है। चलिए आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 126.50 को एबीसी में 2:5:4 के अनुपात में बांटा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, तो 126.50 रुपए की राशि, टोटल राशि कितनी है 126.50 रुपए एबीसी के अनुपात में बांटा जाता है, कितना अनुपात दिया गया 2:5:4 बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है, तो बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है, तो 3 अधिक है ए की अपेक्षा कितना अधिक है 3 अधिक है, तो 3 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो दोस्तों
सबसे पहले अनुपात योग निकालेंगे, तो अनुपात योग कितना आ गया, 5 अच्छा 9 2 11, तो 11 की वैल्यू किसके बराबर है, 11 की वैल्यू 126.50 के बराबर है। हमें निकालनी किसके, 3 की वैल्यू, 3 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x बराबर कितना आ गया 126.50, 126.50 अपॉन 11 इंटू 3, तो ये 11 से कितने बार कट गया, 11 से कट गया एक बार, बचा एक, तो 11 से कट गया एक बार 0.5, 11.5 बार, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 5 या 15 एक 33 और 34 यानी 334.5 रुपये, यानी 34.50 रुपये। बी का हिस्सा कितना है, 34.50 रुपये, बी का हिस्सा 34.50 पैसे, कितना आ गया 34.50 रुपये, सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 सिंपल है, आप इसे खुद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया, कागज के बंडलों से भरे हुए एक बक्से का भार, बक्से का भार कितना दिया गया 36 किलोग्राम, टोटल कितना गया 36, टोटल कितना दिया गया 36 किलोग्राम, ठीक है। यदि बक्से को भार और कागज के बंडलों के भार का अनुपात, बक्से के भार और कागज के बंडलों का अनुपात कितना दिया गया 3:22, यानी बक्से का भार और कागज के बंडलों, बक्से का भार और बंडलों का अनुपात कितना दिया गया 3:2, 3:22, 3:22, 3:22। आपसे क्या पूछा गया, कागजों का भार कितना होगा, कागजों का भार कितना होगा, यानी डब्ल्यू, यानी 3 की वैल्यू पूछी गई है, यानी 3 की वैल्यू पूछी गई है। दोस्तों टोटल यहाँ पे कितना आ गया, अनुपात में कितना आ गया टोटल 25, अनुपाती योग कितना आ गया 25 अनुपाती योग आ गया। तो हमें किस में ज्ञात करना है, ग्राम में ज्ञात करना है, याद रखिए वेट हमको किस में ज्ञात करना है, ग्राम में, वेट किस में ज्ञात करना है, ग्राम में। तो 25 की वैल्यू किसके बराबर, 36 के बराबर, 25 की वैल्यू 36 किलोग्राम के बराबर है। तो हमें ज्ञात किसकी करनी है, 3 की वैल्यू, 3 की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि अनुपात में भार कितना है 3, अनुपात में भार कितना है 3। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 36 गुणा 1000, ये हमें ग्राम में कन्वर्ट हो गया, 25 अपॉन 25 कितना हो गया अपॉन 25। अब इसे हम काट पीट कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, तो 25 से कितनी बार करके 25 चौका 100, 4 किया 12, तो 36 गुणा 12 कितना गया 36 गुणा 120, इसे हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना निकल कर आ जाएगा हमारा, तो याद रखिए हमारा आंसर निकल के आ जाए 31680। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 31680 ग्राम, 31680 ग्राम, यही हमारा आंसर है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 90, 3600 के कुल लाभ को क ख ग में इस अनुपात में विभाजित किया जाता है, क अनुपात ख बराबर 5:4, ख अनुपात ग बराबर 8:9, तो ग का लाभ ज्ञात करिए, ग का लाभ ज्ञात करिए। इसे दोस्तों आप स्वयं करिएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, सेम क्वेश्चन है पहले की तरह, जो पहले क्वेश्चन कराए हैं उसी की तरह है सेम। पहले आप कंबाइंड रेशियो निकालेंगे, कंबाइंड रेशियो निकालने के बाद अनुपाती योग को 3600 के बराबर कर देंगे, उसके बाद हम गा का हिस्सा निकाल लेंगे, गात का हिस्सा निकाल लेंगे, जितने गुना हमारा कंबाइंड रेशियो, जिसके जितना गुना हमारा, सॉरी जितना गुना हमारा अनुपाती योग निकल के आया, उतनी गुना ही हमारी गा की वैल्यू निकल के आने वाली है। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 91 भी सेम है, ए बी का अनुपात दिया गया है, बी सी का अनुपात दिया गया है, और ए का हिस्सा पूछा गया है, टोटल भी हमको दिया गया है। तो कंबाइंड रेशियो निकालेंगे, अनुपाती रेशियो निकालेंगे, अनुपाती योग निकालेंगे, उसको हम 1050 के बराबर कर देंगे, और फिर हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 92 भी सेम है। मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 93। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 93 देखिए इंपॉर्टेंट है,
क्वेश्चन नंबर 93। अब कितना आ गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93, ए बी सी में 555 रुपए की राशि, यानी टोटल राशि कितनी है 555 रुपए। टोटल कितना है 555 रुपए, 555 रुपए की राशि को एक अपन चार अनुपात एक अपन पांच अनुपात एक अपन छह के अनुपात में बांटी जाती है। एक अपन चार अनुपात एक अपन पांच अनुपात एक अपन छह के अनुपात में बांटी जाती है, परंतु गलती से इसे चार अनुपात पांच अनुपात छह के अनुपात में बांट दिया जाता है गलती से। सी को कितनी राशि अधिक मिली, तो सी को कितनी राशि अधिक मिली, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका कंबाइंड रेशियो निकालेंगे। तो कंबाइंड रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर इसके एलसीएम का मल्टीप्लाई, एलसीएम कितना आ गया पांच और पांच बीस और छह का एलसीएम कितना आ गया तीस, कितना आ गया साठ, सॉरी साठ आ गया, तो कितना आ गया पंद्रह चौक साठ, पंद्रह अनुपात और साठ इधर भी मल्टी हुआ और इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, तो बारह पन्ना साठ और दस पन्ना साठ, तो कितना आ गया पंद्रह और दस कितना हो गया पच्चीस, पच्चीस और दस कितना हो गया पैंतीस और दो सैंतीस, सैंतीस की वैल्यू कितने के बराबर पांच सौ पचपन के बराबर, सैंतीस की वैल्यू कितने के बराबर पांच सौ पचपन के बराबर है। एक बार और देखिए, पंद्रह और दस पच्चीस, पच्चीस पच्चीस और दस कितना हो गया पच्चीस और दस पैंतीस, पैंतीस और दो सैंतीस, तो सैंतीस की वैल्यू किसने के बराबर है, सैंतीस की वैल्यू हमारे बराबर है, सैंतीस की वैल्यू बराबर पांच सौ पचपन की, सैंतीस की वैल्यू किसने के बराबर पांच सौ पचपन की। अब हमें इसका हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, दस की वैल्यू, यानी सी का हिस्सा निकालना है, दस की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो इसे सैंतीस से काटेंगे कितनी बार कट गया, तो सैंतीस से काटेंगे कितनी बार कट गया, देखिए सबसे पहले दोस्तों सैंतीस से इसे हम काटेंगे, तो सैंतीस से कितनी बार कट गया, ये डेढ़ सौ बार, कितना आ गया डेढ़ सौ, सैंतीस से कितना आ गया डेढ़ सौ, एक्स की वैल्यू कितना आ गई डेढ़ सौ, एक कितनी बार कट गया सैंतीस से पंद्रह बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई डेढ़ सौ, डेढ़ सौ रुपये, तो सी का हिस्सा कितना आ गया डेढ़ सौ रुपये। अब हमसे कह रहा है कि हमें गलती से इतने अनुपात में बांट दिए, तो गलती से कितने के अनुपात में बांट दिए चार अनुपात पांच अनुपात छह के अनुपात में, छह और चार दस और पांच पंद्रह, तो पंद्रह की वैल्यू कितनी दी गई है पांच सौ पचपन, पंद्रह की वैल्यू कितनी दी गई पांच सौ पचपन, ये कितने टाइम्स कट गए, ये कितने टाइम्स कट गए पंद्रह की वैल्यू पांच सौ पचपन, तो कितना आ गया, तो हमें निकालना छह की वैल्यू, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी छह की वैल्यू, तो एक्स बराबर कितना निकल के आ गया, एक्स बराबर निकल के आ गया पंद्रह से काट गया कितने बार कट गया, तो पंद्रह दिया पैंतालीस, पंद्रह दिया पैंतालीस कितने बचे दस, तो पंद्रह सत्य एक सौ पांच, पंद्रह सत्य एक सौ पांच, तो सैंतीस गुणा छह, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सैंतीस गुणा छह, कितना निकल के आ गया सात छह में बयालीस, चार छह तीन अठारह, अठारह उन्नीस बीस इक्कीस, इक्कीस और एक बाईस, दो सौ बाईस, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दो सौ बाईस रुपये, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दो सौ बाईस रुपये। अब आपसे पूछा गया है कि गलती से पहले कितना मिल रहा था एक सौ डेढ़ सौ, अब कितना मिल रहा है एक सौ बाईस रुपये, तो कितने अधिक दो सौ बाईस रुपये, तो कितने अधिक मिल रहे, कितने अधिक मिल रहे हैं इसको बहत्तर रुपये, कितने अधिक मिल रहे हैं बहत्तर रुपये, अंतर कितना है इसका बहत्तर रुपये। दोस्तों एक बार और समझिए फिर से क्वेश्चन, क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन दिया गया कि टोटल राशि है पांच सौ पचपन रुपये, पांच सौ पचपन रुपये की टोटल राशि है, जिसे हमें एक बटे चार अनुपात एक बटे पांच अनुपात एक बटे छह के अनुपात में बांटना है, जिसे हमें एक बटे चार अनुपात एक बटे पांच अनुपात एक बटे छह के अनुपात में बांटना है। हमने क्या किया, गलती से इसे चार अनुपात छह अनुपात चार अनुपात पांच अनुपात छह के अनुपात में बांट दिया, तो इसमें पूछा है तो सी को मिलने वाली अधिक धनराशि कितनी है, तो सी को कितने रुपए अधिक मिली, पहले की तुलना में सी को कितने रुपए अधिक मिली, ये हमसे पूछा गया। तो दोस्तों हमने इसका कंबाइंड रेशियो निकाल लिया, सबसे पहले ऊपर वाले का पंद्रह बारह दस अनुपातियों कितना दिया गया सैंतीस, अनुपातियों इनका कितना हो गया सैंतीस, तो सैंतीस की वैल्यू किसके बराबर पांच सौ पचपन के बराबर, हमें निकालना सी का हिस्सा, सी इसमें कितना दिया गया दस, सी कितना दिया गया दस, तो दस की वैल्यू हमें निकालनी है, कितना आ गया डेढ़ सौ रुपये। अब आप बात आती है गलती से, गलती से हमने किस अनुपात में बांट दिया चार अनुपात छह अनुपात चार अनुपात पांच अनुपात छह के अनुपात में बांट दिया, तो ये कितना हो गया पंद्रह, पंद्रह के अनुपात योग कितना हो गया यहाँ पे पंद्रह, तो पंद्रह को पंद्रह किसके बराबर पांच सौ पचपन के बराबर, तो हमें निकालना किसकी वैल्यू छह की वैल्यू, तो छह की वैल्यू कितनी आ गई दो सौ बाईस रुपये। अब पूछा गया पहले की तुलना में अब कितने अधिक मिले, पहले मिल रहे थे डेढ़ सौ रुपये, अब कितने मिले दो सौ बाईस रुपये, तो कितने एक्स्ट्रा मिले बहत्तर रुपये,
यही आपका आंसर है बेहतर पे एस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94। एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है। एक आदमी अपनी संपत्ति को, क्वेश्चन नंबर 94, दोस्तों एक बार क्वेश्चन नंबर 94 की ओर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या दिया गया है, एक आदमी अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित करता है, उसके पुत्र और पत्नी के शेयर, उसके पुत्र और पत्नी यानी सन और वाइफ का शेयर कितना है, और पत्नी और पुत्री, पत्नी और पुत्री यानी वाइफ और डॉटर का शेयर कितना है, अनुपात कितना दिया गया, 3:1। अनुपात कितना दिया गया, 3:1, यानी पुत्र और पत्नी का अनुपात कितना, 3:1, और पत्नी और बेटी का अनुपात कितना, 3:1। उसके बाद बोला गया यदि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए कम मिले, पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए कम मिले, तो सबसे पहले हम कंबाइंड रेशियो ज्ञात करेंगे। कंबाइंड रेशियो ज्ञात करने के लिए एस अनुपात डब्ल्यू बराबर 3:1 और डब्ल्यू अनुपात डी बराबर 3:1। तो कंबाइंड रेशियो कितना आ गया, एस डब्ल्यू और डी का कंबाइंड रेशियो कितना आ गया, 9:3:1, 9:3:1। अनुपाती अब इसमें बोला गया कि पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए कम मिलते हैं, तो पुत्री को पुत्र से 10,000 रुपए कम मिलते हैं, पुत्री यानी डी को पुत्र से ऐसे कितने रुपए कम मिलते हैं, तो कितने रुपए कम मिले हैं, यहाँ पे 8 रुपए, 8 रुपए कम मिले हैं। तो 8 की वैल्यू किसके बराबर है, 8 की वैल्यू बराबर 10,000 रुपए की, 8 की वैल्यू किसके बराबर, 10,000 रुपए की। और हमें क्या करना है, पूरी संपत्ति का मूल्य कितना होगा, तो टोटल कितना है इसका, 9 और 10 और 3 13, तो 13 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो 13 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1200। x का मान कितना आ जाएगा, यहां पर 1250 गुना, ये कितने गुना, 1250 गुना, कितने गुना है, 1250 गुना, तो 13 गुना 1250, तो ये भी 13 गुना 1250 गुना होने वाला है, तो 1250 गुना 13, ये हमारा x का मान आ गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, देखिए तो मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा आ जाएगा 16,250, 16,250 रुपए, 16,250 रुपए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 16,250 रुपए। दोस्तों एक बार और समझिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला गया है कि पुत्र और पत्नी, पत्नी और पुत्री का अनुपात कितना दिया है, 3:1, यानी इनमें से कंबाइंड रेशियो ज्ञात करेंगे, तो हमने कंबाइंड रेशियो निकाल लिया, तो कंबाइंड रेशियो कितना आ गया, 9:3:1, कंबाइंड रेशियो कितना आ गया, 9:3:1। अब हमसे पूछा गया पुत्री को पुत्र से 8 रुपए अधिक मिलते हैं, पुत्री को पुत्र से 8 रुपए कम मिलते हैं, सॉरी पुत्री को पुत्र से 8 रुपए कम मिलते हैं, तो 1,000 रुपए में 10,000 रुपए कम मिलते हैं, अनुपात में कितने कम मिले, 8, तो 8 की वैल्यू 10,000 के बराबर। हमसे पूछा गया टोटल धनराशि कितनी है, तो टोटल धनराशि कितनी है, 9 और 1 10 और 3 13, अनुपात में टोटल धनराशि कितनी, 13, तो 13 की वैल्यू निकालनी, 8 से 10,000 कितने का कट गया, 1250 टाइम्स, कितने टाइम्स कट गया, 1250 टाइम्स, और x का मान कितना आ गया, 13 × 1250, तो x का मान कितना आ गया, 16,250 रुपए। दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 को आपको घर से करके लाना है, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 को होमवर्क है, ये आपको घर से करके लाना है, इसके आगे हम कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 से क्वेश्चन नंबर 115 तक कल की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद ही हमारे ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।